कुंड वाला वाटर स्विमिंग पूल हाँ छोटा इन्फ्लेटेबल पूल कर देंगे तेरे लिए ओके यू लाइक माय ग्लिटर एंड स्पार्कल्स यू लाइक स्पार्कल्स या आई लाइक यू स्पार्कल्स तो आज लंबा टाइम निकाल के मैं आई थी ऑलमोस्ट पूरा दिन बहुत दिनों बाद मलिहा के पास और इसे भी आज रुहान में बहुत ज्यादा चेंज दिखाई दे रहा है ना बिकॉज हम इससे पहले जब आए थे तो बहुत छोटू था बहुत बड़ा लग रहा है अचानक से सो चलो पेडिक्योर ऑलमोस्ट डन मैनिक्योर ऑलमोस्ट डन हेयर स्पा ऑलमोस्ट डन थैंक यू वेलकम टू अवर चैनल फ्रेंड्स और जैसा कि आप जानते हैं कि दीपिका अब्राहम एक सेलिब्रिटी हैं और उनको मेकओवर की जरूरत पड़ती है अच्छा देखने के लिए बट रुहान जब से हुआ है वो इतनी ज़्यादा बिजी हो गई हैं कि वो अपनी पैम्परिंग के लिए क्यूटीज़ नहीं जा सकी हैं बट अब उन्होंने टाइम निकाला और वो क्यूटीज़ गई और उन्होंने वहाँ पर मैनीक्योर पेडीक्योर और अपनी और भी स्किन की पैम्परिंग कराई और उन्होंने हेयर स्पा भी लिया क्योंकि उनके हेयर स्पा बहुत दिनों से खराब हो गए थे रुहान के होने के बाद जैसा कि आप जानते हैं जब तक छोटा बच्चा रहता है तो बच्चा हंसता है तो बाल झड़ते हैं इस वजह से वो अपनी हेयर पैम्परिंग नहीं करा सकी बट अब उन्होंने हेयर पैम्परिंग करा ली है और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिख रही हैं और स्किन ट्रीटमेंट लेने के बाद आपकी क्या राय है दीपिका अब्राहम के बारे में अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दीपिका अब्राहम का ये वीडियो आपको कैसे लगती है दीपिका अब्राहम और रुहान अब्राहम आपको कैसा लगता है खास तौर पर उसके बारे में अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल